सिर्फ मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सभी जिलों के अंदर इस गंगा एक्सप्रेसवे में सभी किसान भाइयों के, जितनी भी किसान भाइयों के भूमि के अंदर सर्वे किया गया है, और सर्वे के अकॉर्डिंग अब फाइनल सर्वे चल रहा है, और बहुत सारे जिलों में तो 5 से 6 जिलों के अंदर भी ये प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद ख़त्म भी कर दी गई है, और कई जिलों पर अब मालवीय कंपनी के द्वारा ये प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अब इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे में जितने भी किसान भाइयों की मेरठ से लेके प्रयागराज तक जमीन जा रही है, और उसके अंतर्गत आने वाले भूमि में नलकूप और कमरे, और अगर किसी का इस गंगा एक्सप्रेसवे में मकान आ रहा है तो दोस्तों, क्या गवर्नमेंट उसको मुआवजा देगी, क्या उसको सरकार हटाएगी? तो दोस्तों, ये बहुत समय से मेरे पास सवाल आ रहे हैं, तो आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैं इसको टॉपिक को आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश, किसी भी मतलब कोई भी सरकार हो, कहीं पर भी हो, अगर कोई भी सरकार कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करती है और बनाती है, और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर आम पब्लिक का कोई भी मकान, दुकान, किसी भी प्रकार की इमारत आती है, तो सरकार उसका मुआवजा देती है। तो दोस्तों, जैसे नलकूप का है, नलकूप का मुआवजे की अगर हम बात करते हैं, तो नलकूप के अकॉर्डिंग जितना नलकूप वाले का पैसा लगा हुआ होगा, किसान और अधिकारियों की सहमति के अनुसार ही नलकूप वालों को उसका पैसा दे दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम, अगर आपके खेत के अंदर मकान बना हुआ है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसका भी मुआवजा 4 गुना से लेके 6 गुने तक सरकार उसका मुआवजा देगी। दोस्तों, अगर ये गंगा एक्सप्रेसवे किसी के बिल्कुल पास से और उसका मकान आ रहा है, गांव के पास से गुजर रहा है, और उसमें मकान, अगर गांव के मकान आ रहे हैं किसी के, तो उसका मुआवजा भी सरकार उसको शिफ्ट करने के लिए, सरकार उसका जितनी उसमें लागत लगी होगी उसका भी 4 से 5 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन पहले जो है सहमति ले ली जाएगी, सरकार पहले सहमति लेती है, उसके बाद में ही उनका नोटिस, उसके बाद में जितना भी बैलेंस लगता है उसके अकॉर्डिंग उनको बैलेंस दे दिया जाता है। तो इसलिए अभी आप किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस गंगा एक्सप्रेसवे में किसी का कुछ भी आ रहा है तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसका मुआवजा सरकार आपको देगी। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर, हमारे किसी की मकान या किसी की इमारत आ रही है, क्या सर उसका सरकार मुआवजा देगी नहीं देगी? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, उसका मुआवजा मिलेगा, सहमति दी जाएगी, आपकी और सरकार की सहमति होगी, और सहमति के बाद ही आपकी बिल्डिंग या आपका मकान है या आपकी दुकान है या आपका कुछ भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, नलकूप से कितना बड़ा समरसेबल हो या छोटा हो, ट्वेल हो, अगर ट्वेल है तो उसका अलग मुआवजा दिया जाएगा, मतलब अगर नलकूप लगा हुआ है छोटा है तो उसका अलग मुआवजा होगा, मतलब अलग अलग तरीके से आपके जितने भी आपके खेतों में अपने हिसाब से नलकूप लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा दे दिया जाएगा। दोस्तों, 4 से 5 गुने का मुआवजे की उम्मीद है मिलने की, और सरकार वैसे बेहतर से बेहतर ही मुआवजा देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आज आपको बता दी है कि जिसका भी ट्वेल या घर मकान आ रहा है वो ना घबराए, आपकी सहमति के बाद ही इस
आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।